हाय गाइस, अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं एंड एज यूजुअल मैं लेट हूँ वापस से फ़्लाइट के लिए। सो एयरपोर्ट में पहुँच के बात करते हैं। क्या बोलती है? अभी हम बैठने वाले हैं फ़्लाइट में, दिल्ली की फ़्लाइट में, और अभी दिल्ली पहुँचने के बाद फिर हम अपनी पर्सनल कैब में बैठेंगे और वो हमें पहुँचाएगी शिमला मनाली। सो लेट्स गो। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा स्लीपी स्लीपी मूड लग रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स गो। मुझे विंडो सीट मिली है, ये और हम सब अलग अलग सीट्स में बैठे हुए हैं बिकॉज वेब चेक इन नहीं हो रहा था यार, सर्वर डाउन था इसलिए। तो मुझे सबसे बहुत बातें करनी है बट मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं आप लोगों को मेरा एयरपोर्ट लुक ही दिखाना भूल गई। मैंने ये लेदर जैकेट पहना हुआ है, अगर आप देख रहे हैं तो, एंड ये लेदर जैकेट है, अंदर वाइट कलर की टी शर्ट है एंड दिस जीन्स। अगेन इट्स अ लोअर वेस्ट स्ट्रेट जीन्स, लिटिल बिट कंफर्टेबल। फाइनली हमारी कैब आ गई है और अब हम यहाँ से रवाना होंगे मनाली के लिए। लुक एट दिस, वो मेरा बैग है इतना बड़ा सा, जी हाँ। मैंने तीन चार मोटे 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 जैकेट्स रखे हैं बिकॉज वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है -6 degrees है वहाँ पे एंड मुझसे ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, बट स्टिल ठंडी प्लेस मुझे पसंद है यार। यू डोंट नो, सो लेट्स गो। यार बहुत गंदी वाली त्रास लगी है चाय की। चाय 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 चाय, क्या हंस क्या रही है त्रास पे? बस ये ड्राइवर अंकल पा दे नहीं, 2 घंटे वेट किया वरना सफर बहुत मुश्किल हो जाए। ओके जानो, तुम चाय पिला दो, चाय मैडम नहीं चाहिए। मुझे अभी याद आ रहा है कि इससे पहले जब मैं मनाली आई थी तब भी मैंने इसी रेस्टोरेंट में रुका था और खाना खाया था हमने, पर मुझे याद नहीं है टेस्ट। दाल मखनी गाइस, राइस और ये बड़ा वेज अफगानी चाप मंगवाया, मुझे पसंद है इसलिए मैंने मंगवाया, और ये है हमारा पनीर चाप। बहुत ज़्यादा भूख लगी यार। साहब अभी करीबन 6 बजने जितने होंगे और आप देख रहे हो आसपास कैसा हो गया, पूरा फॉग फॉग जैसा है, और जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं ना मनाली से पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ठंड बहुत गंभीर बढ़ती जा रही है, हालत ख़राब हो रखी है यार। चाय चाहिए, चाय दे दो बस, अदरक वाली चाय चाहिए, गरम गरम मस्त कड़क, बहुत ख़तरनाक ठंडी है, फट के हाथ में आ जाएगी ऐसा लग रहा है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। और कल का टेम्परेचर दिखा रहा है मनाली शिमला साइड पे -11, ओ भाई साहब। अब मेरे को मन कर रहा है मैं घर वापस चले जाऊँ, पर मुझे स्नोफॉल देखना है, मुझे स्नोफॉल देखना है, मैं पहली बार स्नोफॉल देखूँगी
इससे पहले भी मनाली गई थी जैसा कि मैंने व्लॉग डाला था, बट मेरा स्नोफॉल देखना नहीं हुआ था, हुआ ही नहीं था स्नोफॉल, तो यार मेरी बदनसीबी। होप सो इस बार मुझे स्नोफॉल देखने को मिल जाए। वैसे तो सब कह रहे हैं कि रोज़ स्नोफॉल हो रहा है और कल का टेम्परेचर -11 है, तो होप सो स्नोफॉल हो, बट उसके बाद जो हमारी हालत जो फट के लगने वाली है ना हमारी, मतलब पता चला सोफिया वापस ही नहीं आई मनाली से, वहीं जम गई। सो सॉरी, बहुत चीप जोक था। मैं चाय दूसरी बार मंगवाया, पहली बार आई पहली बार कार तक आते आते चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी, और दूसरी बात ये कड़क चाय बनी नहीं थी, तो मैंने वापस से बोला कि कड़क चाय और मस्त ज़्यादा अदरक डाल के बनाया जाए, थोड़ा मतलब अंदर से इंसान को लगे ओहो चाय पी है, चुस्कियाँ लेके पीऊँगी मैं चाय गरम गरम एकदम। हाथ मेरे जल रहे हैं बट गरम लग नहीं रहा इतना क्योंकि ठंडी है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि हालत क्या होने वाली है वहाँ पहुँचने के बाद, बट मेरा दिल कह रहा है कि इस बार मैं स्नोफॉल ज़रूर देखूँगी। डिनर के लिए आए हैं यहाँ पे, सॉन्ग्स बज रहे हैं, कुआसा कितना छाया हुआ है, इतनी ठंडी है कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे बर्गर किंग है और यहाँ पे KFC है, हर जगह फॉग है गाइस। इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं इतना फॉग देख रही हूँ कि मुझे दूर से ओह माय गॉड मुझे दूर का दिख नहीं रहा है। हम हेरिटेज हवेली पे आए हुए हैं जहाँ पे बर्गर किंग भी है और KFC भी है। हम मस्त डिनर करेंगे अभी, क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो रखा है, ओह ठंड भी बहुत जबरदस्त है, सॉरी मेरा हाथ कांप रहा है। दिस इज सो अमेजिंग, इट फील्स लाइक हेवन प्लस इट्स कोल्ड लाइक हेल। सो इट्स हवेली ओवर हियर, लेट्स गो हैव सम फूड। मेरा वॉशरूम में है और दूसरों का तो पता नहीं, मुझे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे वॉशरूम से बाहर नहीं जाना। इस बार चल बाहर, नहीं नहीं चलो वॉशरूम से बाहर चलो, नहीं नहीं, अरे चलो चलो नहीं, किसे चल नहीं, नहीं, यार अभी इधर ही खड़े हो तुम लोग वॉशरूम के अंदर, चलो बाहर चलो। उसको तो खांसी भी होने लगी, तन्नू को खांसी भी होने लगी, बहुत ठंडी है, बाहर जाने का मन। यार अभी तो फिलहाल कुछ दिखेगा नहीं आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है, बहुत ज़्यादा फॉग है। अभी हम अपने कार में बैठेंगे और बाकी की जर्नी हम ट्रैवल करेंगे। अब मैं शायद आपको सुबह ही हाय बोलूँगी, बस कुछ नहीं दिख रहा है, हालत ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, कार में चलो ठंडी 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 ठंडी। गाइस अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम पहुँच गए अपने रूम में, दिस इज़ आवर रूम। यहाँ से आपको मस्त व्यू दिखेगा, पहाड़ है, और अपने रूम में आ गए हैं। ये आते ही बेड के अंदर घुस गई है और हमने आते ही हीटर मंगवा लिया है, हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है ठंडी की वजह से, पर जो भी कहो यार नज़ारे बड़े अच्छे। मैं आपको दिखाती हूँ हमारी बालकनी का व्यू, क्या मस्त दिख रहा है, और ये पहाड़ और उस पर स्नो और उस पर थोड़ी सी हल्की सी धूप, बहुत ज़्यादा ठंडी है। आई गेस कितनी है, कितना डिग्री यहाँ पे, 11 -11 डिग्री चल रही है यहाँ पे। ये बहन आई है अभी पॉटी करके, कैसा लगा आपको पॉटी करके, इतने बहुत सुकून मिला पॉटी करने के बाद, इतनी लॉन्ग जर्नी, पानी क्या हो गया पानी जरा जाके जेट्स पे लेके देखो पता चलेगा। मतलब तू इन शॉर्ट ये बोलना चाहती है कि पानी इतना गंदा है कि मैं ऐसे
गंदा है मतलब? मतलब पानी बहुत ज्यादा चिल्ड है। अच्छा ठंडा है, गंदा नहीं है। अच्छा पानी बहुत ज्यादा चिल्ड था तो तुम्हारे पिछवाड़ा चिल्ड हो गया। चिल्ड हो गया पिछवाड़ा। ओके। कैसी बातें कर रहे हैं हम? अब तो रिलैक्स फील होगी ठीक है पॉटी करने के बाद, तो थोड़ा तो तेरे को बहुत अच्छा लगना चाहिए ना। कल से नहीं की थी मैंने। छी अब मुझे कमेंट करेगी तू।